तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 24वां दिन है और किसान लगातार सरकार से कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग ने सरकार को नहीं माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कहा है कि कृषि कानून रातों रात नहीं आए हैं, बल्कि नए कृषि कानून के लाने के लिए व्यापक चर्चा हुई है और एक्सपर्ट से भी बात करने के बाद ही कानून लाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को 8 साल तक कांग्रेस दबाकर बैठी रही, क्योंकि कांग्रेस के लिए किसान देश की शान नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के किसानों से संवाद के बाद ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा कि आदत के अनुसार मोदी जी ने फिर असत्याग्रह किया, किसानों की बात सुनो, कृषि विरोधी कानून वापस लो। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर हैं, इस दौरान वो रोड शो रैली का भी आयोजन कर उन्हें संबोधित करेंगे। अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शुभेंदु अधिकारी समेत कई टीएमसी नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसे में चुनाव से पहले ममता सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले भगदड़ मच गई है। शुक्रवार सुबह पहले बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर डाला और दोपहर आते आते अल्पसंख्यक सेल में महासचिव कबीरुल इस्लाम ने भी इस्तीफा दे दिया। ममता सरकार पर संकट के बादल छाए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार टीएमसी नेता इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं और इस बीच बीजेपी नेता अरुण सिंह ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि जनवरी तक टीएमसी के 60 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप और हत्याकांड में सीबीआई ने आज चार्जशीट दाखिल कर ली थी, पीड़ितों के आखिरी बयान को आधार बनाया गया है। सीबीआई ने चार्जशीट में पकड़े हुए सभी चारों आरोपियों को रेप और हत्या का आरोपी माना है और लड़की के बयान के आधार पर चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी हाथरस केस पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता, न इंसाफ न हक। कांग्रेस संगठन के चुनावों में अध्यक्ष पर आम सहमति बनाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सोनिया ने कांग्रेस में नाराज चल रहे वरिष्ठ नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को किसानों से एक बार फिर बातचीत करेंगे। दरअसल अटल जयंती के मौके पर भी देश के किसानों को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के वीआईपी रोड स्थित बेबीलान इंटरनेशनल में आयोजित छत्तीसगढ़ के नवा बिहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। एनसीडब्ल्यू ने ट्वीट किया है कि एक मॉडल ने आरोप लगाया कि 2013 में उसके साथ रेप किया गया। इस पूरे मामले के बाद हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके बचाव में आ गई है। जेएमएम ने कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना के पराक्रम का खौफ छाया हुआ है, उसे डर है कि भारत फिर सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को यूएई में कहा कि पाकिस्तान के पास भारत द्वारा आगामी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत है। महमूद कुरैशी ने कहा कि खुफिया सूत्रों से मुझे पता चला है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है, ये गंभीर बात है, भारत ने इसके लिए अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों से अनुमोदन लेने की कोशिश की है। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की लड़ाई लगातार चल रही है, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद भी अब अन्य देशों में वैक्सीन की ओर कदम बढ़ रहा है, भारत भी इसी रेस में है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश की मदद के लिए सैन्य कर्मियों ने भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएम केयर फंड्स में दान किया है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि सैन्य कर्मियों ने भी इस फंड में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान किया है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारतीय वायुसेना के जवानों अधिकारियों ने पीएम केयर्स फंड में 29.18 करोड़ रुपए का दान दिया है। नेवी के जवानों अधिकारियों ने इस दौरान 12.41 करोड़ रुपए का दान किया। एडलेड में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कस लिया है। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे दिन
पहली पारी में 191 रन पर सिमटने के बाद भारत दूसरी पारी में 9 रन एक विकेट के नुकसान पर बना पाया है। भारत को कुल 62 रनों की बढ़त मिल गई है। पहली पारी में भारत ने 224 रन बनाए थे। दूसरे दिन खेल समाप्त होने पर मयंक अग्रवाल और नाइट वॉचमैन के तौर पर आए जसप्रीत बुमराह खाता खोले बिना क्रीज पर थे। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर के लिए ये कोरोना वाला साल काफी विवादास्पद रहा। उन्हें ऐसे ऐसे विवाद में फंसना पड़ा जो उनके करियर पर खतरे के बादल की तरह मंडराने लगे थे। एनसीबी के समन का भी उन्होंने जवाब दिया।